नमस्कार, मैं हूं परवेश। शुरुआत करते हैं दिल्ली की 10 बड़ी खबरों की। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, राजधानी में फिर घटे कोरोना के मामले। बीते 24 घंटे में 70,000 से ज्यादा टेस्ट करने के बाद सामने आए महज 238 पॉजिटिव केस। 24 लोगों की गई जान, 504 मरीज हुए ठीक। अब राजधानी में एक्टिव केस 4,000 से भी कम। दिल्ली के लोगों को लॉकडाउन में मिल सकती है और छूट। डीडीएमए की बैठक में अनलॉक 3 को लेकर होगा फैसला। सीएम केजरीवाल कर सकते हैं बड़ा ऐलान। दिल्ली में 14 जून को खत्म हो रहा है लॉकडाउन। लोगों को जिम, होटल, रेस्टोरेंट खुलने का इंतजार। दिल्ली का वैक्सीनेशन बुलेटिन जारी। 30% आबादी को लगी वैक्सीन। करीब 14 लाख लोगों को लग चुकी वैक्सीन की दोनों डोज। 18 से 44 साल की उम्र के युवाओं के लिए 263 केंद्रों पर चल रहा है वैक्सीनेशन प्रोग्राम। वैक्सीन की सप्लाई में थोड़ा सुधार। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला, ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी से जुड़े होम डिलीवरी एजेंट्स को प्राथमिकता के साथ लगाई जाएगी कोरोना की वैक्सीन। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, जोमैटो, स्विगी समेत अन्य कंपनियों से किया जाएगा संपर्क। जल्द से जल्द कराया जाएगा होम डिलीवरी का काम करने वाले सभी कर्मचारियों का टीकाकरण। बीजेपी का केजरीवाल सरकार पर बड़ा हमला। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद बोले, ऑक्सीजन और दवा तो पहुंचा नहीं सके, हर घर अन्न है जुमला। पूछा, अभी तक दिल्ली की राशन की दुकानों में अप्रैल 2018 से अब तक POS मशीन का ऑथेंटिकेशन शुरू क्यों नहीं हुआ। दिल्ली के डिप्टी सीएम का बीजेपी पर पलटवार। कहा, बीजेपी बन गई है भारतीय झगड़ा पार्टी। उनके पास सिर्फ राज्यों से लड़ने का है काम, चाहे ऑक्सीजन का मुद्दा हो या परीक्षा रद्द कराने का। केंद्र सरकार ने हर मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से खाई है फटकार। केंद्र सरकार के मंत्री दिल्ली सरकार को दे रहे हैं गालियां, यही है उनके संस्कार। दिल्ली की सड़कों पर अब तय रफ्तार से ही दौड़ सकेंगे वाहन। भारत सरकार की नई अधिसूचना जारी। कारों, दोपहिया वाहनों समेत अलग अलग कैटेगरी के वाहनों के लिए अधिकतम गति सीमा की गई तय। उल्लंघन करने पर अब लगेगा भारी जुर्माना। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कक्षा 6 से 9 के लिए एडमिशन की प्रक्रिया हुई शुरू। जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेना चाहते हैं वो शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर कर सकते हैं अप्लाई। एडमिशन लेने के इच्छुक छात्र दाखिला लेने के लिए 30 जून शाम 5 बजे तक कर सकते हैं ऑनलाइन आवेदन। मॉनसून से पहले ही दिल्ली में गिरने लगी इमारतें। NDMC ने 74% सर्वे किया पूरा। 424 इमारतों को घोषित किया खतरनाक। 265 इमारतों को मरम्मत कराने के दिए आदेश। साउथ MCD जोन में भी 4 इमारतें डेंजरस। दिल्ली वालों को मिलेगी भीषण गर्मी से राहत। तेज हवाओं के साथ हो सकती है हल्की बरसात। मौसम विभाग के मुताबिक संडे को प्री मॉनसून बारिश के हैं आसार। 13 और 14 जून को बारिश के साथ 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं। आप देख रहे थे दिल्ली की 10 बड़ी खबरें। हमारी खबरों के अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।